इस मामले में हमने हरियाणा के हिसार के एसपी से बात की, हम तो वहां का एसपी भी जातिवादी लगता है। उसने कहा कि इसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने कहा भाई कौन सी धारा में गिरफ्तार हुए हैं? उसने कहा धारा 153 है में। मैंने कहा कौन सी धारा है? हमने कहा रासू को लगनी चाहिए। अभी हमारा व्यक्ति किसी बेटी पर टिप्पणी कर देता है तो शासन प्रशासन के लोग उसको उठाकर थाने में बंद कर देते हैं और उसके पीट पीट का बुरा हाल कर देते हैं, हत्या भी कर देते हैं, संगीन धारा में मुकदमा दर्ज करते हैं। और जब हमारे महामानव परम पूज्य बाबा साहब या हमारे भोजन महापुरुषों का अपमान किया जाता है तो वहां रासुका नहीं लगाते हैं। तो हमने एसपी से कहा इस पर रासुका लगनी चाहिए। वही दूसरी ओर उकलाना थाने के प्रभारी ने हमसे कहा साहब हम तो लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एसपी महोदय का आदेश नहीं आया है। इतनी तुच्छी सोच वहां के एसपी भी रखते हैं। साथियों, हमें सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल दल, चाहे वो कहीं भी हो, उनको एकजुट करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, क्योंकि वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी तो हमारे समाज के हैं। और अब आप अपने में छोटा बड़ा देखते रहेंगे तो फिर ये तो भारत के अंदर सही हो रहा है। आप अपने में छोटा बड़ा देखेंगे तो दूसरा तो आपको उत्पीड़न करेगा ही, तो अपनी कमी तो पहले आपको खुद दूर करनी होगी। मैं तमाम भारत के जो बहुजन राजनीतिक दल हैं या बहुजन सामाजिक संगठन है, मैं उनको आह्वान करता हूं, बहुत जल्दी हम दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं। चाहे कोई नेता सुने ना सुने, हम सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एक गठजोड़ तैयार करने जा रहे हैं, जिस गठजोड़ में हम ये बात रखेंगे और एकता बनाकर भारत में अपनी सत्ता कायम करने का काम करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, 15 अगस्त स्वतंत्रता का दिन, जिस दिन भारत आजाद हुआ था, आजादी में तमाम भारतवासियों ने साहस ली थी और अपने अपने तरीकों से अपने जीवन को चलाने का रास्ता बनाया था। लेकिन साथियों, आजादी के बाद और आजादी के समय आजाद सिर्फ वो लोग हुए हैं जो ब्रिटिश शासन और अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाए हुए थे। दूसरी ओर जो लोग मनुवादी व्यवस्था से गुलाम थे, वो तो आज भी गुलाम है, जिसको बोला जाता है एससी एसटी ओबीसी, शूद्र वर्ग के लोग तो आज भी गुलाम हैं। साथियों, हमारे महामानव, हमारे मसीहा, जिन्होंने हमको संपूर्ण अधिकार दिलाए, हमको जीवन जीने का तरीका दिया, साथियों हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र हरियाणा के जिला हिसार में कुछ जातिवादी आतंकियों द्वारा, मनुवादी विचारधारा के लोगों द्वारा, कुछ मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा हमारे परम पूज्य बाबा साहब का फोटो जलाया गया। साथियों, आज भी हमारे बाबा साहब से ये मनुवादी लोग, जातिवादी लोग कितनी घृणा करते हैं। ये रास नहीं करते, ये पचा नहीं पाते हमारे बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब की विचारधारा को। जबकि इनके घर में बहन बेटी भी रहती है ना, वो बाबा साहब की बदौलत रहती है, अन्यथा उसको भी पशु के समान समझा जाता था। ये आज हमारे बाबा साहब का चित्र जला रहे हैं। ऐसे आतंकियों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए जो देश में, परदेश में भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग जातिवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं और कुछ मनुवादी लोग हमको हिंसा और जातिवाद फैलाने की हम पर उल्टा आरोप लगाते हैं। तो मैं उन मनुवादी लोगों से पूछना चाहता हूं, आज ये जातिवाद कौन फैला रहा है और कौन महामानव परम पूज्य बाबा साहब जी का फोटो जला रहा है?
ऐसे औलादों की, ऐसे नालायकों की इलाज क्यों नहीं करते आप लोग? और आपकी बस की नहीं है तो आप हमें बताइए, इनका सर इनके घर पे जाकर कलम कर दिया जाएगा जो हमारे बाबा साहब की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा। हालांकि हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं और संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने समता, समानता और भाईचारे की बात की है, उस पर ही आधारित भारत को उन्होंने सशक्त संविधान दिया है जिसकी आइडियोलॉजी पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, ये पहली घटना हरियाणा के हिसार से सामने आई है जहां जातिवादी आतंक के द्वारा हमारे बाबा साहब का फोटो जलाया गया। इस मामले में हमने हरियाणा के हिसार के एसपी से बात की, हम तो वहां का एसपी भी जातिवादी लगता है। उसने कहा कि इसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने कहा भाई कौन सी धारा में गिरफ्तार हुए हैं? उसने कहा धारा 153 में। मैंने कहा ये कौन सी धारा है? हमने कहा रासू को लगनी चाहिए। अब ये हमारा व्यक्ति किसी बेटी पर टिप्पणी कर देता है तो शासन प्रशासन के लोग उसको उठाकर थाने में बंद कर देते हैं और उसके पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं, हत्या भी कर देते हैं, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं। और जब हमारे महामानव परम पूज्य बाबा साहब या हमारे बहुजन महापुरुषों का अपमान किया जाता है तो वहां रासुका नहीं लगाते हैं। तो हमने एसपी से कहा इस पर रासुका लगनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर उकलाना थाने के प्रभारी ने हमसे कहा साहब हम तो लगाने के लिए तैयार हैं लेकिन एसपी महोदय का आदेश नहीं आया है। इतनी तुच्छी सोच वहां के एसपी भी रखते हैं। मैं तो मांग करता हूं हरियाणा सरकार से कि वहां के एसपी को अविलंब निलंबित किया जाए और उस पर रासुका की कार्रवाई की जाए जो दोषी लोग हैं। दूसरा मामला साथियों राजस्थान से आया है सामने, जहां एक विद्यालय के अंदर 15 अगस्त पर कार्यक्रम चल रहा था। हमारे समाज के आदिवासी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हमारे समाज के लोग वहां पहुंचते हैं मंच पर तो मंच से उनको जातिवादी मानसिकता रखते हुए उनको कहा जाता तुम भील जाति के हो, तुम नीची जाति के हो, तुम्हें मंच पर चढ़ने का अधिकार नहीं है, मंच से उतरो, तुम नीच कुत्ते जाति के हो। वहां के एक टीचर ने ऐसी बयानबाजी पेश की। साथियों हमारे व्यक्ति के साथ मारपिटाई की गई। बताइए कैसी आजादी है? एक तरफ तो आजादी का महोत्सव मनाया जाता है, दूसरी तरफ दलितों को पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके मस्याओं के फोटो जलाए जाते हैं। वहीं के लोगों ने हमको बताया साहब यहां बच्चों के साथ भी भेदभाव किया जाता है। अब से पहले भी राजस्थान में एक बच्चे की पानी पीने पर हत्या कर दी गई थी, ऐसे ही वहां हो रहा है। साथियों हम आपको जिला बताते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला पड़ता है? राजस्थान का जिला पड़ता है सिलौर, जहां एक घटना घटी है। साथियों बहुत दुख का विषय है। साथियों तीसरी घटना, ये कल की सारी घटना है और अभी तो कुछ घटना आनी बाकी है। तीसरी घटना साथियों मध्य प्रदेश से है, जहां दो जिलों में अलग अलग सरपंच हैं, उन सरपंचों की द्वारा झंडारोहण का कार्यक्रम होना था लेकिन कभी उनसे झंडारोहण नहीं कराया गया। उनको यह कह दिया जाता है तुम अनुसूचित जाति के हो, तुम दलित समाज के हो, तुम नीची जाति के हो, तुम कुत्ते जाति के हो, तुमसे झंडा नहीं फरवाएंगे हम। उनका अपमान किया जाता है। ये आम इंसान की बात नहीं बता रहे हम आपको, ये बता रहे हैं जो सरपंच होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं। आप लोगों ने भी अक्सर वीडियो देखी होगी, सरपंच कहीं किसी का थूक चाटता है, किसी के पांव छूता है, किसी को नीचे बैठाकर उसमें जूते मारे जाते हैं। यह स्थिति मध्य प्रदेश में है, जहां का मुख्यमंत्री शिवराज चौहान है, जिसको मामा के नाम से भी जानते हैं लोग। तो ऐसे मामा से हम पूछना चाहते हैं तुम्हारी बस की मध्य प्रदेश की सरकार चलाना नहीं है तो आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम मध्य प्रदेश को संभाल लेंगे, आपके लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे, अपने लोगों की भी हिफाजत करेंगे। साथियों इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश में रोज घट रही है। बताइए कितना अन्याय समाज के साथ हो रहा है और हमारे समाज के लोग अनेक अनेकों प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं,
अनेकों के पॉलिटिकल दल में बटे हुए हैं, जबकि सबका फर्ज ये बनता है। और फर्ज के साथ सबसे पहले बात ये बनती है, जो भी कोई हमारा राष्ट्रीय दल है उसके मुखिया को सभी लोगों को बुलाना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हो या पॉलिटिकल दल के लोग हो, अपने साथ लेकर चले। हम तो सबसे बड़े जो दल का हमारा मुखिया है उसमें से आप सबसे ज्यादा कमी मानते हैं, वो सही हो जाए तो हमारा समाज एक सूत्र में चल जाए। आज हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो देश के अंदर परचम लहराएगा और आने वाले 2024 के चुनाव में भी हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन साथियों, हमें सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल दल, चाहे वो कहीं भी हो, उनको एकजुट करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, क्योंकि वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी तो हमारे समाज के हैं। और अब आप अपने में छोटा बड़ा देखते रहेंगे तो फिर ये तो भारत के अंदर सही हो रहा है। आप अपने में छोटा बड़ा देखेंगे तो दूसरा तो आपका उत्पीड़न करेगा ही, तो अपनी कमी तो पहले आपको खुद दूर करनी होगी। मैं तमाम भारत के जो बहुजन राजनीतिक दल हैं या बहुजन सामाजिक संगठन है, मैं उनको आह्वान करता हूं, बहुत जल्दी हम दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं। चाहे कोई नेता सुने ना सुने, हम सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एक गठजोड़ तैयार करने जा रहे हैं, जिस गठजोड़ में हम ये बात रखेंगे और एकता बनाकर भारत में अपनी सत्ता कायम करने का काम करेंगे। साथियों, दूसरी ओर मैं बहन मायावती तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मायावती जी, बहुत हो गया समाज पर अत्याचार, बहुत अपनी तानाशाही चल गई, अब तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी आपकी भी। आप भी छोटा बनकर समाज के सामाजिक संगठनों से बात करें, समाज के जो छोटे बड़े पॉलिटिकल दल है उनसे बात करें और उनको एक मंच पर लाने का काम करें। आपके अंदर भी हद हो गई तानाशाही की, कब तक तानाशाही चलेगी? या दिन प्रतिदिन बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, भाइयों के कत्ल हो रहे हैं, बाबा साहब का चित्र जलाया जाता है, पूरे देश के अंदर हाहाकार मच रहा है। और बहन जी, आज आप भी अपने महल में बैठी हुई हो, महल से कब बाहर निकलोगी आप, हम आपसे पूछना चाहते हैं। बहन जी, हमारा आपसे आग्रह है, समाज के एक एक व्यक्ति को आप इकट्ठा करें, समाज के सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आप इकट्ठा करें, समाज के पॉलिटिकल जितने भी दल है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाइए, एक गठजोड़ तैयार कीजिए और आने वाले 24 के चुनाव में बाबा साहब के मिशन को कायम करके दिखा दीजिए। बहन जी, हमें बहुत क्रोध आता है आप पर भी, हम बोलते नहीं है, कहते नहीं है, हमारा समाज का खून लगा हुआ है बसपा के अंदर, कैसे बर्दाश्त कर ले? मजबूरन हमको अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार करने पड़ रहे हैं, आपके यहां कोई सम्मान नहीं मिलता। साथियों, ये बात आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और समाज तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।